नमस्कार जी, मैं आपका दोस्त राकेश और आप देख रहे हैं आरके जी। दोस्त, आज मैं जिस प्रिंसिपल की बात करने जा रहा हूँ वह है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की खोज सबसे पहले 1872 ईस्वी में जॉन वेस्ली हेयर ने किया था। इस खोज को हेयर ब्रदर के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे एरोप्लेन की खोज राइट ब्रदर ने किया, ठीक इसी तरीके से इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की खोज हेयर ब्रदर ने किया। हेयर ब्रदर के दूसरे भाई का नाम इशाइया था। इन्होंने जिस प्रिंसिपल पे काम किया वो है इंजेक्शन सिरिंज। इंजेक्शन सिरिंज पे इन्होंने काम करना शुरू किया। ये हमारे पास इंजेक्शन सिरिंज है, इसको इन्होंने बैरल मान करके और ये प्लंजर मान करके इस सिद्धांत पे काम करना शुरू किया। तो इनको जो फार्मूला मिला P इक्वल टू F अपॉन ए का, इट मीन्स अगर हम एरिया को कांस्टेंट रखते हैं और फोर्स को बढ़ाते जाते हैं तो प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा। इसके बाद समय बीतता गया, धीरे धीरे इनके साथ और भी साइंटिस्ट आकर के काम करते गए। एक और समय आया 1932 का। उस समय एक वैज्ञानिक एडम गैस्ट्रॉन जी ने हीटिंग सिलेंडर की खोज की। हीटिंग सिलेंडर का खोज किया। उस समय बिलियर्ड्स की बॉल बनाई जाती थी जो कि लकड़ी के बुरादे और मिट्टी से बनाई जाती थी। यह क्या होता है कि पुल खेलने के लिए यूज होता है, जिसे हम पुल खेलते हैं। इसमें एक टेबल होता है जिसमें 6 होल होती हैं और 15 बॉल होते हैं। एक स्टिक होती है जिसको क्यू स्टिक कहते हैं और जिस होल से खेला जाता है उसे क्यू होल कहते हैं। इस बॉल को बिलियर्ड्स की बॉल बोलते हैं। इसमें 2 प्लेयर होते हैं। फर्स्ट प्लेयर के पास 7 बॉल होती है और सेकंड प्लेयर के पास 7 बॉल होती है। जो 8वीं बॉल होती है वो ब्लैक कलर की होती है। इस तरीके से ये खेला जाता है। इसके बाद हेयर के माइंड में एक सिद्धांत आया, एक सोच आई कि उन्होंने सेलुलोज और नाइट्रेट को पॉलीमराइज कराया तो उनको मिला कि सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज नाइट्रेट जब इसको मोल्टन फॉर्म में 2 प्लेट मोल्ड में इंजेक्ट कराया तो देखा कि एक बॉल बन के तैयार हो गई जो कि बिलियर्स की बॉल थी और बहुत ही लाइट वेट में बन के तैयार हो गई। पूरे वर्ल्ड में हल्ला हो गया कि बॉल बन गया, बॉल बन गया। वहीं से ये फेमस हो गए और अभी इनका रिसर्च खत्म नहीं हुआ कि जब तक एक और साइंटिस्ट आ गए 1946 में, जेम्स वाटसन हेनरी ने। इन्होंने स्क्रू की खोज की। इस तरीके से स्क्रू की खोज हुई और हमारा इनका प्रयास आगे तक बढ़ता गया। तो दोस्त, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। आप मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।